ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का दूसरा कांड, अयोध्या कांड। निर्मल पावन अमल अगोचर मन भावन इक नाम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। राम नाम सर्वानंद दाता, राम नाम सुख धाम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। एक दिवस राजा दशरथ जी बैठे हुए थे राजभवन में, शीश मुकुट सीधा करने को देख रहे थे मुख दर्पण में। बाल सफेद दिखे तो राजा पहुँच गुरु के धाम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। दशरथ बोले गुरु वशिष्ठ से, गुरुवर है ये इच्छा मेरी, राम बने युवराज अवध के, नहीं लगे अब इसमें देरी, राज काज सब सौंप राम को, चाहता हूँ विश्राम, जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम। शिष्ट ने आज्ञा दीनी, राज तिलक की करो तैयारी, सब तीर्थों से मंगा लिया जल, खुशी मनाए पर जा सारी। सुनकर राम का राज तिलक देवो में मचा कोहराम, जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम। देवगणों को जैसे ही पता लगा कि कल श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा, तो उनमें हाहाकार मच गया। देवता व्याकुल होकर विचार करने लगे कि प्रभु ने जिस हेतु पृथ्वी पर अवतार लिया है, वो कार्य कैसे पूर्ण होगा। यदि
श्री राम को वनवास न होकर राज तिलक हो गया तो रावण एवं अन्य राक्षसों का विनाश कैसे होगा। विचार उपरांत देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि हे माता, आप अयोध्या जाकर कुछ ऐसा कीजिए जिससे श्री राम जी को कल राज तिलक के बदले वन गमन का आदेश हो और विश्व का कल्याण हो। नाम मंथरा बड़ी सयानी, महारानी के कई की चेरी, माता सरस्वती ने जाकर उस दासी की बुद्धि फेरी। मंथरा ने कई भड़काई, पाया बहुत इनाम, जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। कई पहुंची कोप भवन में, शाम हुई दशरथ भी आए, देख दशा के कई की दशरथ, जल बिन मछली से तड़ पाए, लगे पूछने किस कारण हुआ कोप भवन विश्राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। कई ने राजा दशरथ से सप्त राम जी की खिलवाई, फिर मांगे दो वचन प्रथम में, राजा भरत लाल हो जाई, दूज में मांगा 14 वर्ष को वनवासी हो राम, जय 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 सिया 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 राम। नहीं रानी, नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, सूर्यवंश पर ऐसा वज्रपात न करो। तुम भली भांति जानती हो राम मेरे ही नहीं समस्त अयोध्या वासियों के प्राण है। तुम स्वयं कल्पना करो, क्या कभी प्राणों के बिना शरीर का अस्तित्व हो सकता है। महारानी, तुम्हारा पहला वचन मुझे सहर्ष स्वीकार है, अयोध्या का राजा भरत ही होगा, परंतु मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो रानी, मत दो। भक्तों, महाराज इतना कहकर बिलक बिलक कर रोने लगे तो महारानी के कई ने कहा, महाराज ध्यान से सुनो, मैं अपने वचन बदल नहीं सकता। और फिर सूर्यवंश की उस वाक्य का क्या होगा राजन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज तुम्हारे भीतर राजन वचन और मोह की है लड़ाई,
तभी वहाँ श्री राम ने आकर किया विनित प्रणाम। जय 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 श्री राम, ओ जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। कहने श्री रामचंद्र को सारा ही वृतान समझाया। 14 वर्ष को वन जाने का राजा का आदेश सुनाया। राम प्रभु हंस कर यूं बोले, बस इतना सा काम। जय 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 श्री राम, ओ जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। कौशल्या से आज्ञा लेने राम निकट पहुँचे माता के। लखन लाल भी आकर बोले, मैं भी साथ चलूं भ्राता के। सीता बोली, मैं भी संग में चलूंगी हे सुखधाम। जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने वैदेह सीता और लक्ष्मण को बहुत समझाया, परंतु वे दोनों श्री राम के साथ वन जाने के निर्णय पर अडिग रहे। तब श्री राम ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दी और तीनों माता केकई के महल में पिता श्री और माता केकई से आज्ञा लेने पहुंचे। महाराज दशरथ अचेत अवस्था में बार बार राम को निहार और पुकार रहे हैं। महाराज की ये अवस्था देखकर केकई श्री राम से बोली, राम अब तुम अधिक विलंब ना करो। जब तक तुम यहाँ रहोगे महाराज तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर विलाप करते रहेंगे, अतः अब तुम शीघ्र वन की ओर प्रस्थान करो। बोले राम, ठीक है माता, युग युग जिए भरत मेरा भ्राता। दो आशीष के पिता के आज्ञा मैं रहूं सदैव निभाता। आभूषण और राज से सुख को त्याग चले श्री राम। जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम। जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। राजभवन से निकले रघुवर, पीछे पीछे सिया लखन जी। आज अयोध्या हुई है सोनी, अखियां भीग गई जन जन की।
सरयू पार करी तमसा तत किया प्रथम विश्राम। जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम। गंगा तट पहुँची रघुराई, केवट से नैया मंगवाई। केवट बोला हे रघुनंदन, जानू मैं तोहरी प्रभुताई। पहले चरण धुला लो जिससे हो शंका समाधान। जय जय लखन हो जय सिया राम, हो जय जय लखन हो जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पतित पावनी माँ गंगा जी के किनारे पहुंचकर जब केवट से कहा, हे भाई, हमें अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा दो, तब केवट जान गया कि ये तो स्वयं बैकुंठ पति श्री विष्णु भगवान है। आज इनका चरणोदक लेने का अच्छा अवसर हाथ आया है। इसलिए केवट हाथ जोड़कर श्री राम से बोला, हे दया सागर दीन बंधु, प्रभु क्षमा करना, परंतु आपके चरण धोए बिना मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि आपकी पगरज की महिमा से मैं अनजान नहीं हूं। आपकी पगरज से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। प्रभु, कहीं मेरी नैया भी नारी बन गई तो मेरा तो रोजगार ही ठप हो जाएगा। प्रभु, प्रभु की आज्ञा पाकर केवट जल से भरा कठोता लाया। पग धोकर चरणों दक पीकर केवट फूला नहीं समाया। गंगा पार कराई केवट ने सबको निष्काम। जय जय लखन भरत सिया राम, ओ जय जय लखन भरत सिया राम। जय जय लखन भरत सिया राम, जय जय लखन भरत सिया राम। सीता ने मुद्रिका उतारी केवट को देने की खातिर। लो केवट भाई उतराई, राम प्रभु बोले सकुचाकर। हाथ जोड़ कर बोला केवट विनय सुनो सुखधाम। जय जय लखन हो जय सिया राम, ओ जय जय लखन हो जय सिया राम। से न धोबी लेता, नाई से नहीं लेता नाई। घाट मेरे तुम आए, मैंने पार किया तुमको रघुराई।
मुझको पार लगाना जब मैं आऊं तुम्हारे धाम। जय जय लखनऊ जय सिया राम, ओ जय जय लखनऊ जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार प्रभु श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण एवं निषाद ने गंगा पार की और आगे प्रस्थान किया। प्रयागराज तीर्थ में प्रभु जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे एवं इसके पश्चात घोर वनों से गुजरते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचकर मुनिवर के दर्शन किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर से हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे वह स्थान बताएं जहां मैं सीता एवं लक्ष्मण के साथ शांति पूर्वक निवास कर सकूं। सुनकर सरल राम की वाणी, भारद्वाज बोले मुस्का कर, ऐसी कौन जगह त्रिभुवन में जहाँ नहीं हो तुम करुणा कर, है सर्वत्र तुम्हारी सत्ता हे रघुराई राम। जय जय लखनऊ जय सिया राम, ओ जय जय लखनऊ जय सिया राम। कहो भानु कुल नायक, आश्रम हर भांति सुखदायक, चित्रकूट गिर सुंदर पावन, आपके रहने के है लायक। इतना सुन श्री राम चले कर भरद्वाज को प्रणाम, जय जय लखनऊ जय श्री राम, ओ जय जय लखनऊ जय श्री राम। चित्रकूट पहुँचे रघुराई, सुंदर पर्ण कुटीर बनाई, रहने लगे राम वैदेही, करने लगे लखन सेवकाई। जंगल में मंगल छाया हुआ चित्रकूट एक धाम, जय जय लखनऊ जय सिया राम, ओ जय जय लखनऊ जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी वैदेही सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर सुंदर परन कुटीर बनाकर निवास करने लगे। इधर सारथी सुमंत दीन अवस्था में अयोध्या पहुंचते हैं तो महाराज दशरथ ने सुमंत को हृदय से लगा लिया और राम लक्ष्मण तथा सीता के विषय में पूछने लगे कि हे सुमंत, मेरा राम कहाँ है? क्या तुम उसे वन से वापस नहीं लाए?
हे सुमन, कहो तो जनक नंदनी सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं? इस प्रकार महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो उठे। सुमंत एवं रानियों के नेत्रों में जल भर आया। कहे सुमंत दशरथ जी से, रामचंद्र नहीं वापस आए। इतना सुनकर राजा दशरथ जल बिन मछली से तड़पाए। राम राम कह कर दशरथ ने त्याग दिए निज प्राण। जय 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 श्री राम, ओ जय 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 श्री राम। हाहाकार मचा महलों में, आज अनाथ हुई है अयोध्या। आंसू और आहों के अलावा आज अवध में बाकी बचा क्या। बजने थे जहां खुशी के बाजे, वहां मचा कोहराम। जय 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 सिया राम, हो जय 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 सिया राम। वशिष्ठ जी आए भवन में, लगे रानियों को समझाने। जल्दी से दो दूत पठाए, भरत शत्रुघ्न जी को लाने। दूत चले श्री भरत को लाने, गुरु को करके प्रणाम। जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम। उधर अपने नाना के घर भरत जी को अब शकुन होने लगे, मन व्याकुल हो गया। भरत जी अपने मन की व्याकुलता शत्रुघ्न से कह ही रहे थे कि दूतों ने आकर प्रणाम करके कहा कि आपको गुरु वशिष्ठ ने तुरंत ही अयोध्या बुलाया है। इतना सुनकर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के लिए चल दिए। मार्ग में बहुत प्रकार से अपशकुन होने लगे। जब भरत शत्रुघ्न ने अयोध्या में प्रवेश किया तो चारों ओर सन्नाटा और उदासी देखकर मन घबराने लगा। भरत जी सर्वप्रथम माता केकई के महल में पहुंचे और माता से पूछने लगे। बोले भरत माता के कैसे, हे माता ये कैसी उदासी। क्या आपत्ति है जो चुप है, आज अयोध्या के सब वासी। ना ही पिता के दर्श हुए, ना मिले अभी तक राम। जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम।
कई बोली बड़े प्यार से, सुनो लाडले भरत दुलारे। बहुत दिनों से पिता तुम्हारे पर थे दो वरदान हमारे, मैंने मांग लिए राजा से अपने दो वरदान। जय जय लखन हो जय सिया राम, हो जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम। वर में मांगा बेटा तुम्हें मिले पद अवध राज का, दूजे वर में मांगा मैंने 14 वर्ष वनवास राम का। राम वियोग में पिता तुम्हारे पहुँच गए सुरधाम, जय जय लखन हो जय सिया राम, हो जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम। केकई की ये हृदयाघाती शब्द सुनकर भरत पर मानो वज्रपात हुआ और भरत जी हाय पिता जी कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे और केकई से कहने लगे, हे माता, तू माता नहीं कुमाता है, मुझे धिक्कार है कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, तूने यह कैसा कुचक्र रचा, इससे अच्छा तो ये होता कि तू मुझे जन्म लेते ही मार दे। हे पापिन, तू नारी नहीं हत्यारी है। इस प्रकार भरत रानी केकई को शब्दों द्वारा प्रताड़ित करते हुए वहां से रोते बिलखते हुए चल दिए और माता कौशल्या के महल में आकर माता कौशल्या के चरणों से लिपट जाती है। भरत जी बोले कौशल्या से, माता ना कुछ दोष है मेरा, मेरी जननी ने ही मेरे जीवन में कर दिया अंधेरा। भरत सुभागा बना अभागा, लुट गया माल तमाम, जय जय लखन हो जय सिया राम, हो जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम, जय जय लखन हो जय सिया राम। तभी वहां आए वशिष्ठ जी और भरत जी को समझाया, हानि लाभ जीना और मरना यश अपयश विधि की है माया, काल गति ताले नहीं टलती, लाख करो इंतजाम, जय 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 सिया राम, हो जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। भरत ने
सरयू के तट जाकर पिता का अंतिम कर्म है कीना, रामचंद्र को वापस लाने का संकल्प भरत ने लेना। भरत चले वन और जिधर को गए थे लक्ष्मण राम, जय जय लक्ष्मण जय सिया राम, ओ जय जय लक्ष्मण जय सिया राम, ने सरयू नदी के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया और संकल्प लिया कि मैं भैया श्री राम को अयोध्या वापस लाऊंगा और पिता की आज्ञा को मैं निभाऊंगा। जब भरत जी वन की ओर चले तो उनके साथ गुरु वशिष्ठ, तीनों रानियां सुमंत, शत्रुघ्न एवं अयोध्या की समस्त प्रजा चलती। उधर निषाद राज को जब पता चला कि भरत जी सेना सहित इधर आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भरत सेना लेकर प्रभु श्री राम जी को मारने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम जब तक जीवित हैं भरत श्री राम को छू भी नहीं पाएंगे। परंतु तभी एक बूढ़ा साथी यूं बोला, बिना विचारे कुछ मत करना, भरत लाल जैसे त्यागी के सिर पे दोष नहीं तुम धरना, राम प्रभु से मिलने आए होंगे भरत निष्काम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। उसी पल भरत वहां पर भील राज को गले लगाया, भील निषाद भरत जी को फिर माँ गंगा के किनारे लाया। भरत ने फिर माँ गंगा जी को दंडवत किया प्रणाम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। चला निषाद भरत को लेकर भरद्वाज मुनि आश्रम आए, चरण वंदना करके सबने मुनिवर से आशीष है पाए। मुनिवर ने फिर राह बताई जहाँ विराजे राम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। भरद्वाज मुनि ने
चित्रकूट की राह बताने के लिए अपने शिष्यों को भरत जी के साथ भेजा। उधर चित्रकूट पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने धूल उड़ती देखी, तभी कुछ वनवासियों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आकर समाचार दिया कि भरत और शत्रुघ्न चतुरंगिनी सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को क्रोध भर आया। लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत की निर्लज्जता तो देखिए कि वह आज राज्य निष्कंटक करने के लिए यहां वन में भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। भरत को राज मद हो गया है। भैया आप मुझे आज मत रोकना, मुझे आपके चरणों की सौगंध, आज यदि स्वयं शंकर भी आकर के भरत की सहायता करें तो भी भरत के प्राण नहीं बचा पाएंगे। सज्जनों, तब प्रभु श्री राम बोले, सुनो लखन तीनों लोकों में नहीं मिलेगा भरत सभाई, मेरा भरत त्याग की मूरत होगा उसे राज मद नाही, राज अवध क्या उसको चाहे मिल जाए सुरधाम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। अगर भरत ना होता जग में कौन धर्म को करता धारण, भरत कर्म है भरत ही करता और भरत ही कर्म का कारण, भरत से प्रेम शुरू होकर उस पे ही पाए विराम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। इतने में ही प्रभु के सन्मुख के कई सूत भरत जी आए, चरणों में गिर राम प्रभु के चरण आंसुओं से धुलवाए, उठा भरत को भर बाहों में बिलख पड़े श्री राम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। इसे कहते हैं भाई का प्रेम। एक ओर प्रभु श्री राम जो मर्यादा की प्रतिमूर्ति है, तो दूसरी तरफ भरत जी जो त्याग एवं प्रेम की सीमा अधिक ऊंचे हिमालय, दोनों ऐसे गले मिल रहे हैं मानो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा। दोनों का ही धैर्य जवाब दे गया, दोनों के नेत्रों से जल ऐसे बरसने लगा कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, कंठ अवरुद्ध हो गए। भरत जी तो भाई के प्रेम में जैसे पागल ही हो गए। प्रभु श्री राम और भरत जी का पवित्र प्रेम मिलन देखकर
वहां उपस्थित सभी के नेत्रों भर आए, मानो सारी सृष्टि थम गई हो, हर ओर उदासी छा गई। यह पवित्र मिलन देखकर आकाश में देवताओं की आंखें भी नम होने लगे। पुलकित देह सजल नैनो से मिले भरत और श्री रघुराई, चित्रकूट की पावन भूमि इसी मिलन से पाई बढ़ाई। भरत मिलाप के दिन से बन गया चित्रकूट एक धाम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। राम ने फिर सबको बिठलाया और पूछी घर की कुशलाई, समाचार सुन पिता मरण का राम जी की आंखें भर आई। इतने में ही जनक जी आए सबने किया प्रणाम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। जोड़ फिर भरत जी बोले, सेवक की विनती है भगवन, लौट चले अब आप अयोध्या और संभाले राज सिंहासन। आपके बदले भरत रहेगा वन में उम्र तमाम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। धन्य है त्रेता युग को धन्य है जिसमें श्री भरत जी जैसे भाई उत्पन्न हुए। श्री राम जी तो पिता की आज्ञा से वन में गए, परंतु भरत जी ने चक्रवर्ती सम्राट के पद को सुविच्छा से त्याग दिया, ठुकरा दिया। कितना ऊंचा त्याग एवं प्रेम है भरत जी का। जब भरत प्रभु श्री राम से अयोध्या वापस चलकर राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत, मैं किन शब्दों में तुम्हारी बड़ाई करूं, मैं तुम्हें भाई के रूप में पाकर कृतार्थ हो गया। माता कैकेयी धन्य है जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया, परंतु पिता की आज्ञा पालन करना मेरा पहला धर्म है भाई। राज काज तुम अवध का देखो, इसी में है हम सबकी भलाई। माताओं की सेवा भी है भरत तुम्हारा काम, जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम।
लेकर मेरी चरण खड़ाऊं। भैया लौट अवधपुर जाओ, पिता की आज्ञा सिर पर धर कर भाई अपना धर्म निभाओ। राज धर्म बतलाऊं रखना यादे आठो याम। जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम। जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। या मुख के जैसा होवे, खाता पीता सबको दिखता, पर सबको दे देता, अपने पास नहीं कुछ रखता। अब प्रस्थान करो हे भाई भरत लाल निष्काम। जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम। जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अतिशय प्रिय भक्तों, वियोग की घड़ियां पुनः आंसुओं की सौगात लेकर आ गई। भरत जी के नेत्रों में जल भर आया, परंतु श्री राम की आज्ञा एवं माताओं तथा गुरु जी की सम्मति के सन्मुख विवश भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाएं शीश ऊपर धरकर बोझिल मन एवं कदमों से अयोध्या की ओर चल दिए। एक बार पुनः सभी की आंखें खारे जल की वर्षा करने लगी। भरत जी ने अयोध्या में पहुंचकर राम जी की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर सजा दी एवं अपनी प्रण कुटी नंदीग्राम भूमि खोद कर बनाई, और उसी प्रण कुटी में साधु भरत सन्यासी की भांति रहकर स्वयं को प्रभु श्री राम जी एवं जनता का सेवक मानकर राज्य चलाने लगे। चरण पादुका रख सिंहासन, भरत जी आए नंदीग्राम में। भूषण वस्त्र राज से त्यागे, रमा है तन मन राम नाम में। भक्तों भरत का नाम भजे, जो भजे उसे श्री राम। जय जय भरत लखन सिया राम, ओ जय जय भरत लखन सिया राम। जय जय भरत लखन सिया राम, जय जय भरत लखन सिया राम। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। जय 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 सिया राम। प्यारे भक्तों, इस कांड यानी अयोध्या कांड के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई का भाई के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसी माध्यम से ये शिक्षा अपने जीवन में उतारने से जीवन प्रभु मैं बन जाएगा, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं।